आज की सर्वदलीय बैठक में चर्चा की शुरुआत करते हुए हमारी ओर से कहा गया कि आज की बैठक के दो लक्ष्य होने चाहिए। एक, इस देश में एक प्रभावी और सशक्त लोकपाल विधेयक पारित हो, और दूसरा, अन्ना हजारे जी का जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए उनका अनशन तुरंत खुलवाया जाए। और हमने कहा कि इन दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक असामान्य स्थिति में से हमें रास्ता चुनना है। परिस्थिति अगर साधारण हो तो नियमों के अनुसार, प्रक्रियाओं के अनुसार रास्ते खोजे जा सकते हैं, लेकिन असाधारण परिस्थिति में नियमों में ढील देकर, प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज करके ही रास्ते निकल सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि सरकार का बिल, जो एकदम निष्प्रभावी बिल है, उसको सरकार वापस ले ले, और जन लोकपाल बिल को दृष्टि में रखते हुए एक नया सशक्त और प्रभावी लोकपाल विधेयक संसद में पेश करे। तभी हम अन्ना हजारे जी को कह सकते हैं कि वो अपना अनशन खोले। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस पर सबकी राय एक नहीं बनी। वामपंथी दलों के द्वारा, आरएलडी के द्वारा, जनता दल यू के द्वारा और हमारे द्वारा बिल को वापस लेने की बात कही गई, लेकिन ज़्यादातर सरकारी पक्ष के दल और कुछ अन्य दल, वो इस पक्ष में नहीं थे कि बिल को वापस लिया जाए। इसलिए तरीका क्या हो, इस पर जो प्रस्ताव पारित हुआ वो मौन है, लेकिन एक प्रस्ताव ज़रूर पारित हुआ है, जिस प्रस्ताव में ये कहा गया कि हम सब लोग मिलकर अन्ना हजारे जी से अपील करते हैं कि वो अपना अनशन तोड़ दें, जन लोकपाल बिल को ड्यू कंसिडरेशन दिया जाएगा और उसके आधार पर एक नया बिल, एक नया ड्राफ्ट बिल, जिससे सशक्त और प्रभावी लोकपाल बने और जिसके ऊपर पूरी राष्ट्रीय सहमति हो, ऐसा बिल लाया जाएगा। इतने भर पर सहमति बनी, जो प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन हम जो चाहते थे कि ये बिल वापस ले लिया जाए, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आसानी होती हमें अन्ना हजारे जी को ये कहने में कि वो अपना अनशन खोल दें, लेकिन उस पर चूंकि सर्वसम्मत राय नहीं बनी, इसलिए वो प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना। पर हम 5-7 पार्टियों ने मिलकर ये अपील की थी कि इतना निष्प्रभावी बिल है, उस पर पैबंद लगा लगा के उसको संशोधित करने की बजाय या उसे प्रभावी बनाने की बजाय बेहतर होगा वो बिल वापस ले लिया जाए और एक नया ड्राफ्ट बिल, सशक्त और प्रभावी लोकपाल लाने वाला, सदन में प्रस्तुत किया जाए। मैडम, कौन कौन सी पार्टियां थी जो बिल को वापस लेना चाहती थी? अक्सर वो मैं कह चुकी हूँ, जो मैं खुश नहीं हूँ